गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एडी सिविल रिस् क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम स्टेट्स के बारे में चर्चा करेंगे जो पेपर वन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको ही पता है कि अगर आप स्टेट्स में बहत्तर में अगर आपका स्कोर 40 से नीचे रहता है तो 180 लाना इम्पॉसिबल है लगभग तो इसलिए ज़रूरी है कि हम स्टेट्स के बारे में एक बेहतर रणनीति बना के जाएँ और जितना ज़्यादा हो सके हम प्रैक्टिस करके जाएँ ताकि उसमें हमारा जो स्कोर हो वो साठ से नीचे ना हो और अगर, अगर आप साठ प्लस लाते हैं तो आपके जो स्कोर है पेपर वन में अगर आप और भी सेक्शन को अच्छे से किया है तो आपका आराम से वन सेवेंटी वन एटी प्लस आ सकता है तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे मेनली हम तीन बात पर चर्चा करेंगे कि एवरेज टाइम क्या हो दो स्टेट्स बनाने का इसके बाद इसमें स्टेप मार्किंग होता है या नहीं होता है दूसरी बात और तीसरी बात तो हम स्टेट्स को बनाए कब और इसको शुरू बनाए या लास्ट बनाए और इसके अलावा एक और बात है कि इसके लिए हम कौन सा बुक को फॉलो करें ठीक है फ्रेंड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये तो बिल्कुल नए बच्चों के लिए है बाकी अगर आपने पहले दिया होगा मैं तो आपको पता होगा कि टोटल चार क्वेश्चन आते हैं दो को आपको सॉल्व करना है चार में दो सेलेक्ट करना होता है एक क्वेश्चन छत्तीस नंबर का होता है तो दो बहत्तर नंबर के होते हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है उसमें चार से पाँच सब क्वेश्चन होते, है। तो होते हैं तो टोटल आपको आठ से दस क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं स्टेट्स में ये जो एक क्वेश्चन होता है या तो होता है आपका छः नंबर का सात नंबर का या अगर चार क्वेश्चन है तो दस नंबर का भी होता है तो इस तरह से आपका ये पूरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये इसके बाद अब ये आपको ये देखना होगा कि कितना टाइम ले क्योंकि अक्सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टेट्स से वो टाइम मैनेजमेंट की है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बनाने अगर प्रैक्टिसर करने गए हैं आप तो स्टेट्स बनाने में आप एक घंटा ज़्यादा समझ लेते हैं इससे क्या होता है कि आपका जो अदर सेक्शन है वो खराब चला जाता है और फिर बाद घूम फिर कहीं आ जाती है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक घंटा देने के बावजूद भी सॉल्व नहीं होता है एक घंटा टाइम भी दे दिए और उसमें भी क्वेश्चन गलत हो गया तो पूरा पेपर ही खराब हो जाता है फिर वही आपके वन ट्वेंटी से नीचे नंबर आते हैं पेपर वन में तो इसके लिए बेहतर रणनीति हो क्योंकि मैथ और जी एस साथ सॉल्व करना अपने आप थोड़ा चुनौती है अगर आप एक प्रॉपर रणनीति से काम नहीं कीजिएगा तो तो आज उसी पर बात करेंगे तो एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन है वो पैंतालीस से पचास मिनट होना चाहिए आपका क्योंकि आपको आठ क्वेश्चन तीन घंटा में लिखना है ठीक है तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन को साढ़े बाईस मिनट टाइम मिलना चाहिए आपको तो स्टेट्स में उसी का पार्ट है तो दो क्वेश्चन के लिए पैंतालीस मिनट लेकिन आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अच्छे से आ रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा सारा सॉल्व हो जाएगा थोड़ा टाइम लग भी रहा है तो स्टेज पर टाइम बढ़ा सकते हैं बरसते आप थोड़ा टाइम मैनेज कर लीजिए सेक्शन वन में क्योंकि उसमें डाटा वा क्वेश्चन होता है तो जैसे कि मान लीजिए कि आप थोड़ा लेंदी क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लिए टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप पचपन से साठ मिनट भी दे दीजिए उसमें पचपन से साठ मिनट भी दे दीजिए इसलिए क्योंकि आप बहत्तर में अगर आप सब कुछ सही से बनाएं तो साठ प्लस आपका आसानी से आ जाएगा और बाकी अदर सेक्शन में साठ प्लस आना मुश्किल है जैसे कि आप आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है या करेंट वाला सेक्शन है उसमें जो अड़तीस नंबर वाला क्वेश्चन है उसको कितना भी अच्छे से लिख दीजिए आप उसमें तीस नंबर नहीं आने वाला आपका हार्डली आएगा तो चौबीस पच्चीस छब्बीस यही आने वाला है लेकिन रिश्त ऐसा सेक्शन है कि अगर आपने सही से सॉल्व कर दिया तो छत्तीस में आपका छत्तीस आ सकता है तो इसीलिए अगर टाइम थोड़ा लग भी रहा है तो दे दीजिए लेकिन एक बार ध्यान रखिए एक घंटा सुपर मत दीजिएगा एक घंटा सुपर टाइम ले रहे हैं मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं आप ठीक है तो एवरेज टाइम ड्यूरेशन आपका है पैंतालीस से पचास मिनट अगर आप प्रैक्टिस कर गए हैं तो बाई द वे कुछ मिस्टेक हो गया तो पचपन साठ मिनट इससे ज़्यादा नहीं देना है आपको आ, यही मैंने आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि अगर फंस रहे हो तो तीस मिनट से ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि अगर आपने अगर आप फंस रहे हैं उससे बावजूद भी टाइम दे दिया आप लग रहा है कि नहीं सॉल्व होगा तो फिर आपका उसका प्रभाव अदर सेक्शन असर पड़ेगा यही मेरे साथ हुआ था बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें आप इसके बाद ये भी ध्यान आपको रखना है कि सॉल्व कब करना है इसको पहले करें या बाद में करें तो ये आप मॉक टेस्ट के दरमियान देख लीजिए एक पैटर्न बना लीजिए कि हमको एग्जाम में भी वही वैसा ही करना है जैसे अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो अगर आप पहले सॉल्व कर रहे हैं स्टेट्स को शुरू में सॉल्व कर रहे हैं तो एग्ज़ाम में शुरू में सॉल्व कीजिएगा वहाँ ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा और एग्जामिनेशन वालों में तय नहीं करना है आपको बस इतना ध्यान रखिएगा पहले ही तय कर लीजिए क्या करना है वैसे आइडियल से नहीं होता है कि या तो आप सबसे पहले बना लीजिए और नहीं तो एक सेक्शन को सॉल्व करने के बाद उसको सॉल्व कीजिए अंतिम में कभी मत बनाइएगा स्टेट्स को अंतिम में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपको जी एस का आंसर राइटिंग करने में समय का पता नहीं चलेगा लास्ट आपका पता चलेगा बीस मिनट बचा हुआ है स्टेट्स के लिए तो पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका स्टेट्स इस वो इससे बेहतर है कि या तो आप हिस्ट्री वाला सेक्शन आप कर लिए पहला सेक्शन वन कर लिए तो उसको आपने मान लीजिए कि पैंतालीस मिनट में कर लिया इसके बाद आप दे दीजिए टाइम इसमें स्टेट्स इस में दे दीजिए अगर आपने सॉरी अगर आपने तीन क्वेश्चन को अगर आपने एक घंटा दिया है उसमें तो फिर आपने स्टेट्स को अगले सेक्शन में दे दीजिए टाइम पैंतालीस मिनट में जो भी टाइम लगे फिर लास्ट में करेक्ट वाला सेक्शन में दे दीजिए तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है ठीक है अंतिम एवॉड कीजिएगा बनाने से इसको इसके बाद हाँ ये बहुत जरूरी है ये कि सही स्टेट्स को चुनने में आवश्यक टाइम ज़रूर लें यह बहुत ज़रूरी होता है चार स्टेट्स में दो एश्स ऐसा होता है जो काफ़ी लेंथी होता है और दो ऐसा होता है जो बना सकते हैं आप तो ये हर बार कभी पीस गया पैटर्न है सिक्सटी फोर्थ तो भी ऐसा ही था जिस कभी कभी ऐसा होता है कि चारों एशर्ट आसान आ जाता है ठीक है और कभी कभी ऐसा होता है ना कि दो एस्टर्ट बहुत टफ़ आ जाएंगे दो आसान और कभी कभी तीन टफ़ एक आसान तो वो डिपेंड करता है ईयर वाइज लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चार में से एक या दो ऐसा रहेगा जो सॉल्व करने लायक रहेगा तो शुरू में सेलेक्ट कर लीजिएगा भले आपके लिए उसको लिए पाँच से दस में टाइम देना पड़े मन में कैलकुलेशन करके कर कर देख लीजिएगा कि हाँ मेरे से ये बनने वाला है तो दो स्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा शुरू में ही क्यों आपका बहुत टाइम बचाएगा इसलिए बचाएगा क्योंकि एक तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे और दूसरा आपको नंबर उसमें अच्छा खासा आ जाएगा सॉल्व हो गया तो जहाँ फंसे आप टाइम भी किल होगा आपका और वो गलत भी हो जाएगा तो ये थोड़ा सा देख लो और ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस वगैरह देख लेना है चूज करने का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइएगा आप चार क्वेश्चन रहेंगे दो क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट करके देखेगा कि हम शान सेलेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं ठीक है तो ये सारा तरीका है कि आपको कैसे सॉल्व करना है अब हम देखते हैं सोर्स पे तो जो इंपॉर्टेंट सोर्स है तो वो यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर पर प्रैक्टिस करना है छब्बस उनसठ से लेकर छियासठ तक जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रत्येक ईयर में चार क्वेश्चन आते हैं आपको है तो चारों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना टोटल आपके चौबीस टोटल लग आपके लगभग बता रहा हूँ मैं टोटल लगभग चौबीस क्वेश्चन हो जाएंगे ठीक है छः साल छप्पन उनसठ साठ से बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ छहसठ छः साल में चार चार क्वेश्चन चौबीस क्वेश्चन इसके अलावा अदर जो एग्ज़ाम हुआ है जैसे सी डी पी हुआ है डबल ए हुआ है उसका भी पेपर देख लीजिएगा आप उससे भी कुछ क्वेश्चन निकल जाएंगे आपको तो कुल मिला आपके जो क्वेश्चन की संख्या है वो आपको छत्तीस से लेकर चालीस मिल जाएगी इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसमें सारा टाइप का आपको स्टेट्स मिल जाएगा ठीक है प्रैक्टिस किससे करना है तो एक या तो एल के जाके आप बुक ले लीजिएगा उसमें सॉल्व क्वेश्चन बैंक रहता है और नहीं तो इसके दो वॉल्यूम आता है एक वॉल्यूम में प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है सारे एग्जाम का बी का जो कनेक्ट कराती है और दूसरे वॉल्यूम में जो दिया है वो आपका मॉक टेस्ट दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है तो कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लो का कम भी है इसके अलावा आ, ये भी कर सकते हैं अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो अगर अगर आपके पास प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर है तो उसमें भी आपको दिया होगा क्वेश्चन स्टेट्स का दिया होगा तो उससे भी कर लीजिए आप और एक बात और एक अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर है बिल्कुल आपको मतलब परसेंटेज औसत नहीं आ रहा तो आठ दस टॉपिक सेलेक्ट करके उसको आप पढ़ लीजिए ये बहुत काम आएगा आपका क्योंकि अगर ये सब आपको बेसिक नहीं आ रहा है ना परसेंटेज औसत लाभ आने अनुपात इस तरह का आठ दस टॉपिक है तो वहाँ पर कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होगा आपको तो अभी टाइम है आप देख लीजिएगा आपका वहाँ सेक्शन ठीक है आपको जब प्रैक्टिस किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा ये सेक्शन कमज़ोर है तो उसको एक जगह लिख के या तो कहीं से वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पर या फिर अगर कोई बुक वगैरह तो उसे पढ़ लीजिए उसको क्लियर कर लीजिए आप बाकी मैंने आगे यही लिखा हुआ है कि हाँ कितने क्वेश्चन आते हैं टाइम लिमिट क्या हो तो आपको ये सारा ध्यान देना आप प्रैक्टिस में करना है तो टाइम लिमिट में करना है पैंतालीस मिनट में करना भले आपको उसमें से छत्तीस बहत्तर में आपसे आप साठे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए साठें नंबर का सॉल्व हो पाए या पचास में सॉल्व हो पाए लेकिन वि, विद इन टाइम करना आपको है आपको एग्ज़ाम में पीछे प्रेशर नहीं रहेगा आपका ठीक है तो ये मैंने आपको पूरा बताया कि आपको स्टेट सॉल्व कैसे करना है क्या रणनीति है और कौन सा सोर्स हो ठीक है अभी ज़्यादा आप मॉक टेस्ट में प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा प्रैक्टिस सेट आप अभी मत कीजिएगा क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है आपके पास आपके पास जब प्रीवियस ईयर पेपर में टोटल छत्तीस अड़तालीस क्वेश्चन हो जा रहा है तो उसी को प्रैक्टिस कीजिए आप तीसरा यान बताया अब मैं बताऊँगा आपको किस में स्टेप मार्किंग होता है नहीं होता है कॉपी क्या चेक होता है और ये मैं विद इन प्रूफ बताऊँगा प्रूफ के साथ क्योंकि मैंने खुद अपनी कॉपी मंगवाई थी चौसठवीं की स्टेट्स की पेपर वन पूरा मंगाया था तो मैंने इसमें स्टेट्स का स्पेशली निकाला हुआ है कि इसमें कैसे मार्किंग होती है तो मेरे टोटल जो नंबर आए होते हैं बहत्तर uh, में थर्टी वन आए हुए थे काफ़ी कम था क्योंकि मेरा एक एसटेट गलत हो गया था सिलेक्शन में गलत हो गया था बाकी मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दिया था इस कारण से तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ अब देखिए इस तरह सॉल्व करना होता आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे से ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है तो इसमें नंबर मुझे कम मिले हैं दो ही नंबर मिले हैं मुझे तो आपको फाइनल आंसर भी सही लाना है फाइनल आंसर में गलती की जगह तो वहाँ भी नंबर कटेगा आपका ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेप मार्किंग होता है नहीं होता है यहाँ भी पूरा गलती हुआ तो है तो यहाँ भी नंबर कटे हैं इसके बाद ये पूरा मेरा गलत हो गया था तो ये आपका टो ये आपका छः या सात नंबर था मुझे एक नंबर दिया यहाँ पर हाँ ये देखिए पूरा सही है मेरा ये यह, यहाँ पर पूरा स्टेप बाई सही है मैंने स्टेप भी सही लिखा है और जो फाइनल आंसर है वही मैंने सही लाया हुआ है तो इसमें मुझे पूरा सात नंबर मिला है इसके बाद और देख लीजिए यहाँ पर अगर आप चाहिएगा एग्ज़ाम में तो पाई चार्ट बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते अगर आप बिना पाई चार्ट के बना बना लीजिए तो भी सही है इसके ऐसा नहीं है कि इसका नंबर मिलता है लेकिन ये होता है कि कैलकुलेशन आसानी होती है इसलिए बना लेना चाहिए एग्ज़ाम में ये पूरा सही था पूरा नंबर मिल गया इसमें इस वजह से इसमें आंसर में गलती हुआ है फाइनल में यहाँ नंबर काटा हुआ है मेरा और ये सब भी अवॉइड कीजिएगा का काट कोड से ठीक है क्योंकि फिर नंबर उसमें भी काट लेते हैं आपके ये सब मैं मुझे पूरा नंबर मिलना क्योंकि इसमें स्टेप वाइज भी सही था और आंसर भी सही आया था हाँ ये मेरा पूरा ये मैंने बना ही नहीं पाया था भाई मैं मैंने शुरुआत किया था पर मैं उसको बीच में छोड़ दिया था मैं फिर भी मुझे एक नंबर मिला यहाँ पर क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टेप लिया है यहाँ पर इसी तो अगर आप क्वेश्चन बिल्कुल आ भी नहीं रहा है तो जितना आ रहा है उतना करके छोड़ दीजिए आप हो सकता है अगर वो सात नंबर का हो तो आप एक या दो नंबर दे दो जैसे मुझे यहाँ पर एक नंबर मिला हुआ है तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो रहा है कि स्टेप मार्किंग होती है दूसरी बात कि अगर आपने पूरा स्टेप सही किया है फाइनल आंसर में कुछ गड़बड़ी कर दिया है डेटा में तो हाँ नंबर कट जाएगा आपका आप कितना कटेगा वो डिपेंड करता है जानवर के माइंड पे हो सकता है वो दस नंबर का क्वेश्चन हो आपने फाइनल आंसर में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो आपको तीनों नंबर दे या हो सकता है थोड़ा लिबरल हो तो आपको पाँच या छः नंबर दे दे उसको लागे पूरा स्टेप सही है थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है तो ये बात क्लियर है कि फाइनल आंसर भी आपको सही लाना है और स्टेप में ही पूरा लिखना है और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको नहीं भी आया बिल्कुल नहीं आ रहा है तो जितना आ रहा है उतना कर दीजिए आप दो तीन स्टेप भी लिखना है तो लिख दीजिए एक से दो नंबर मिल जाएगा आपको अगर पाँच छः नंबर का है या साठ नंबर का है तो आपको एक से दो नंबर मिल जाएगा तो इस तरह से आपको ये आइडिया लगा कि इसमें स्टेप मार्किंग होती है और नंबर का पैटर्न क्या है ये सारा आपको पता चल गया इसमें और पढ़ना कैसे आपको है ये मैंने सारा ऊपर बता दिया सोर्स बता दिया है और आपको किस तरह से एक रणनीति बनानी है यही ऊपर बता दिया आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में धन्यवाद